देखिए, ये पूरी तरह से समस्तीपुर गुंडों के हवाले कर दिया गया है। यहाँ का प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वो पूरी तरह से सत्ता में बैठे हुए लोगों का गुलाम बना हुआ है। एक भी घटना का उद्भेदन न कर पाता है, न अरेस्ट मुख्य अभियुक्त को कर पाता है और सत्ता के दबाव में अपराधियों को बचाने का खेल चल रहा है। आज बिहार सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक मंत्री या उनके सभापति हैं, सचेतक बन के बैठे हैं और ये लोग पूरी की पूरी हस्तक्षेप प्रशासन में कर करके अपराधियों को संरक्षित और बचाने का खेल कर रहे हैं। ये मामला को हम लोग सदन के अंदर भी ले जाएंगे और इस तरह के जो हस्तिनापुर के गुलाम बैठे पदाधिकारी हैं, सत्ता आते और जाते रहेगी, सत्ता के बाद भी इनकी फाइल खुलेगी। रघुवीर सोनकार से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं घटित हुआ है, ये तमाम घटनाओं पर उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है और स्पीडी ट्रायल चला करके अपराधियों की कार्रवाई करे, उसकी संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। अगर जो सरकार एक्शन में नहीं आएगी तो इस मामला को लेकर के फिर से सदन के अंदर लड़ाई होगी।